ब्रेकिंग न्यूज़ ना समा खरीद हालों तो पीपी अगवाण शहर सी लेना मेमन चवा तंदड़ आम चूंड में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कंदी मकानी चूंड जो नतीजो सभी डिसी छो है को धांधली जो इल्जाम भी नथो हणी सके। शहर सी लेना मेमन जो चवण है तो मुल्क के एटमी ताकत जुल्फकार अली भुट्टो बनाया सी पेक आसफली जरदारी दिनों जलसन में बेन जहा कारनामा पेंे नाल बुधा वा जलसा कदड़ असो मुकाबलो नथा कर सकन एक जमायत इलेक्शन वेहण का डिजी रही है। यह अहम खबर नास शेयर क्यों पाया पीपी अगवाण शहर सी लेना मेमन चवा तंदड़ आम चूंड में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कंदी मकानी चूंड जो नतीजो सभी डिसी छो है को धांधली जो इल्जाम भी नथो हणी सके। शर्जील इनाम मेमन जो चवण है तो मुल्क के एटमी ताकत जुल्फकार अली भुट्टो बढ़ाया सी पेक आसफली जरदारी दिनों जलसन में बेन जहा कारनामा पेंे नाल बुधा वा जलसा कदड़ असो मुकाबलो नथा कर सकन एक जमायत इलेक्शन वेहण का डिजे पी। पीपी अगवाण शहर सी लेना मेमन चवा तंदड़ आम चूंड में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कंदी मकानी चूंड जो नतीजो सभी डिसी छो है को धांधली जो इल्जाम भी नथो हणी सके। तफसील मालूम क्यों था सन टीवी न्यूज के चीफ रिपोर्टर फयाज कुरैशी का। फयाज अपडेट कजो नवाले से। अनिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगवाण अगोरे सूबाई वजीर इतलात शर्जील इनाम मेमन और वारे वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है बिलावल हाउस में समझे चवण है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यादत पश्चिमी वाक्य की जो न सिर्फ मजम्मत कहे थी बल्कि बुजलानू हमलो कार्रवाई हुई मियांवाली बेस से हमलो दहशतगर्द हुई नव दहशतगर्द मियांवाली में दहशतगर्दी कई उत न सिर्फ जहनम रसीद किया बल्कि पाक फौज जवान के सलाम पेश कन था। शर्जील यो चवण तो दुश्मन चाहे तो मुल्क में अमन की जो फिजा है वह बरकरार रहे पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कई थी वे पाकिस्तान पे मुल्क की हिफाजत के हवाले से न सिर्फ मुतहद है बल्कि हर फोरम से जिते अस मुतहद आयो तो मतलब फलस्तीन के साथ दिन के हवाले से वो यकजा एक ही ख्याल है। शर्जील मेमन जो चवण तो शेख मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में फलस्तीन के हवाले से खुसूसी पॉलिसी तैयार की हुई कल जो चूंड हुई उनके हवाले से चवण तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ क्लीन स्वीप पे है बल्कि समूर जाल के मुबारकबाद दे तो चवे तो जो रोज दांधली रोहे रोंदा हुआ उन दांधली जो इल्ज़ाम है वो अभी कें लगाइंदा वो दांधली हाँ इल्ज़ाम के हवाले से जो गाली थी हुई ये साबित की आवाम कैंसा गड्ढा है। शर्जील में मैं ये तो सिंध के क्लियर सिंध में आवाम जो पैगाम मिले तो आवाम सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोट दिनों पीपल्स पार्टी जिते आवाम की खिदमत कई है उसे तरक्याती कम कराया दौर में जो सेहत के मामला होजन या तरक्याती मामला होजन उन्होंने सिर्फ कम कही बल्कि अड़े किस्म मिसाल मुल्क की तारीख में मिलना शर्जील यो चवण हो तो पीपल्स पार्टी हमेशा जिते प्रोपेगेंडा पीपल्स पार्टी खिलाफ थे तो मुश्किल वक्त में साथ थी हकीकी तौर से पीपल्स पार्टी उनका गड पिछल है कश्मीर और मुल्तान में पीपल्स पार्टी खटी है इन दिन में पीपल्स पार्टी कंदी आवाम के दिल में पीपल्स पार्टी न सिर्फ मौजूद है बल्कि इन वक्त जो पीटीआई का जो बयान है वो मुल्क अदालत या आवाम के खिलाफ उनसे न सिर्फ आवाम के नफरत में विझण के बराबर कोशिश कर थी बल्कि अगली जमात इलेक्शन खुण के हवाले से घबराए थी बल्कि पीपल्स पार्टी चवंदी है चूंड में नजर कर ॾेखारींदी है बल्कि सभी लीडरशिप मुल्क के हवाले से जानवर जहाँ नजराना भी दिना शर्जील यो चवण तो पीपल्स पार्टी मुल्क के उतमी ताकत बनाया अज सी पैक दिनों सर जो मनसूबो दिनों सी पैक जो खालिक आसिफ अली सरदारी हो चवण तो एटमी ताकत से जुल्फार अली भुट्टो मुल्क के बनाया एटमी ताकत से जुल्फार अली भुट्टे के तसलसल के जो अगते बधाए मुल्क की जो तहफ़ुज़ के हवाले से अदा किरदार अदा किया वो चवण तो मुल्क के विराने की कोशिश कई थी वे पीपल्स पार्टी गरीब खुदा बख्श में बीस पाकिस्तान खपे नारो हो यो नारो चैनी सूबन में बेनजीर मुल्क की जंजीर के तौर पर उभरियो संदीप चवण तो मुल्क में मानू जो सियासत से चटकाने का कोशिशों कन था उतने नफरत ही बाहे बाहे चाहन था बिलावल भुट्टो नौजवान लीडर है जो सभी के जोड़ गड करने की गाल करे तो पीपल्स पार्टी सभी का गड़ी करे न सिर्फ अगते बदंदी बल्कि मुल्क की बेहतरी के हवाले से किरदार अदा कंदी संदीप चवण तो पीपल्स पार्टी चूंड में न सिर्फ फटी बल्कि फतेह उन्होंने थी जे मुल्क में जानन जहा नजरा दी वेठा निगरान हुकूमत अभी सी पे के मिसाल दे थी तो मिसाल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी खिताब किया तो कराची के शहर में थोड़ा अदा करे तो 400 यूसिन में न सिर्फ पीपल्स पार्टी पैदा नुमाइंदा खड़ा किया बल्कि पीपल्स पार्टी मुतबाद के हवाले से चैक कराई कई उसे आवाम के मस्बत मौतमी सलमान मुराद हो जाए केर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक है वही मेहरबानी।